कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीते चुनाव में अमेठी में हारने के बाद भाजपा अब उनके नए चुनाव क्षेत्र रायबरेली में घेरने में जुट गई है। भाजपा ने यहां से स्थानीय नेता और पूर्व में कांग्रेस में रह चुके राज्य सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। अभी तक यहां जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को घेरने के लिए भाजपा इन पर ज्यादा जोर दे रही है। कांग्रेस के गढ़ में माने जाने वाले रायबरेली में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह इस बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने राहुल के खिलाफ स्थानीय उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पर दाव लगाया है। पिछले चुनाव में भी भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था, जो सोनिया गांधी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी की 2014 की जीत का अंतर आधा कर दिया था। इसके बाद भाजपा ने उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। कई प्रमुख कांग्रेस नेता अब भाजपा के साथ। दिनेश प्रताप सिंह के निर्वाचित MLC होने से ग्राम प्रधानों में अच्छी पकड़ है। इसके अलावा बीते वर्षों में रायबरेली के कई प्रमुख कांग्रेस नेता अब भाजपा के साथ हैं। यहां के प्रमुख कांग्रेस नेता रहे अखिलेश कुमार सिंह की बेटी अदिति सिंह अब रायबरेली से भाजपा की विधायक है। रायबरेली में 5 विधानसभा क्षेत्र बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार है। इनमें रायबरेली को छोड़कर 4 सपा विधायक जीते थे। इनमें से एक ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनावों को लेकर सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था। वो भाजपा के करीबी हैं, उनके भाई और बेटे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। OBC समुदाय का साथ मिलने की आस। अभी तक लोकसभा चुनावों में गांधी परिवार को सामाजिक समीकरण से परे वोट मिले हैं, लेकिन इस बार भाजपा राहुल गांधी को घेरने के लिए इन समीकरणों पर काम कर रही है। भाजपा का मानना है कि अन्य समुदाय के साथ OBC समुदाय का बड़ा हिस्सा भी उसके साथ होगा। भाजपा चुनाव प्रचार के मैदान में राहुल गांधी पर अमेठी में हार और उसे छोड़ने का ठप्पा भी लगा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में किसे अपने पास रखेंगे, इसे भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। चुनाव दर चुनाव भाजपा ने ताकत बढ़ाई है। भाजपा ने सोनिया गांधी के सामने भी हर चुनाव में यहां अपनी ताकत बढ़ाई। उसे 2009 में 3% वोट मिले थे, जो 2014 में बढ़कर 21% हो गए। 2019 में यह आंकड़ा 38% तक पहुंच गया। ऐसे में भाजपा की कोशिश 12% वोट और बढ़ाने की है। भाजपा का मानना है कि सोनिया गांधी की जीत का अंतर लगातार कम हो रहा था और लोगों में गांधी परिवार से दूरी दिखने लगी, अब ये और बढ़ेगी।